नमस्ते। कल हमारे एक विद्वान मित्र हैं, उन्होंने जग्गी वासुदेव के बारे में लोगों से अपने विचार पूछे थे और उसमें बहुतेरे लोगों ने अपने विचार दिए। मैंने सबको पढ़ा नहीं, अधिकांश मित्र उनके प्रशंसक थे, कुछ लोग विरोधी थे, कुछ लोगों ने उन्हें मूर्ख कहा और बहुत सारे ऐसे लोग जो ये मानते हैं कि वे ही हिंदू धर्म के एकमात्र ज्ञाता हैं, उन्होंने जग्गी वासुदेव को तुच्छ घोषित कर दिया। मेरा एक साधारण सा प्रश्न है, क्या आपने कभी जग्गी वासुदेव को बोलते हुए या लोगों से प्रश्नोत्तर के दौरान कभी अहिंदू बात करते हुए सुना है? कोई एक उदाहरण आप मुझे दीजिए जहां पर कि वे अहिंदू हुए हों या अपने तर्क में कमज़ोर हुए हों। सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि कौन व्यक्ति युग धर्म के अनुसार एक बहुत बड़े जनमानस को हिंदू धर्म के प्रति जागृत कर रहा है, वह कितना बड़ा सन्यासी है, कितना स्वयं में समाधिस्थ है, कितना आत्मचेतस है, यह सब प्रश्न निरर्थक है। प्रश्न यह महत्वपूर्ण है कि वह हिंदू धर्म से विचलित हो रहे एक बहुत बड़े समाज में, भटक रहे समाज में अगर जागरण ला रहा है और छोटे छोटे प्रश्नों, शबरीमला से लेकर के तमाम ऐसे प्रश्नों का तार्किक उत्तर दे करके अपने विरोधियों को चुप करा रहा है, तो वह युग धर्म के अनुसार आचरण कर रहा है। मेरा यह कहना है कि अगर आप बहुत ज्ञानी हैं तो आपको निकलना चाहिए अपनी गुफा से। भारतीय सनातन धर्म की परंपरा यही है कि जो भी सनातन धर्म के संत योद्धा रहे हैं वे गुफा में बैठ करके साधना भी करते रहे हैं, लेकिन गुफा से बाहर निकल करके भारतवर्ष में भ्रमण कर करके अपने मत की प्रतिष्ठा भी करते रहे हैं। आपको यह काम करना चाहिए। अगर आप तार्किक तौर पर जग्गी वासुदेव को ध्वस्त कर सकते हैं तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। आपको उन्हें पराजित करना चाहिए, आपको यह सिद्ध करना चाहिए कि जग्गी वासुदेव निपट मूर्ख हैं, उन्हें अध्यात्म नहीं आता है, उन्हें सनातन धर्म की कोई विद्या प्राप्त नहीं है, वे ज्ञानी नहीं हैं, वे एक बाजारू संत हैं। तर्क ही तर्क का उत्तर होता है। आदिशंकर सबसे बड़े प्रमाण हैं। 32 वर्ष के जीवन में उन्होंने 16 वर्ष तक साधना की, 16 वर्ष के बाद वे भारत में निकले और दिग्विजय प्राप्त किया। द्वैत मीमांसक कापालिक तंत्रवादी जैनी बौद्ध और पता नहीं कौन कौन से कितने लोग, सबको उन्होंने नतमस्तक किया। आपको भी यह कार्य करना चाहिए। अगर आप यह कार्य नहीं कर पा रहे हैं तो अनर्गल प्रलाप करना बंद कर दीजिए कि वह चोर है, उसकी आंखों में फेशियल ऐसे चमकता है, तो वह मेकअप करके आया हुआ सन्यासी है, वह सेक्स के बारे में यह बोलता है, वह सेक्स के बारे में वह बोलता है। अरे क्या बोलता है, आप तर्क से उत्तर तो दीजिए, तर्क से काट प्रस्तुत कीजिए ना साहब। मैं जग्गी वासुदेव का समर्थक न अनुयायी हूँ, मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ इतनी सी बात जानता हूँ
कि जग्गी वासुदेव एक बहुत बड़े स्तर पर हिंदुओं के बीच हिंदू धर्म के प्रति जागरण ला रहे हैं, उन्हें उन्मुख कर रहे हैं कि वे हिंदू धर्म के प्रति दोबारा विचार करें, उसके प्रति निष्ठावान हों। और युग का धर्म यही कहता है, कौन साधु कौन सन्यासी कहाँ गुफा में बैठ करके साधना कर रहा है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वे निश्चय ही कर रहे होंगे, वे महान होंगे, पूजनीय होंगे, वरेण्य होंगे। किंतु आप किसी को इसलिए सिर्फ खारिज नहीं कर सकते कि आपकी प्रसिद्धि उनके मुकाबले बहुत कम है। आप उनसे अधिक ज्ञानी हैं तो आपको उन्हें तर्क से काटना चाहिए, आपको यह सिद्ध करना चाहिए कि जग्गी वासुदेव मूर्ख हैं। अगर आप यह नहीं कर पा रहे तो आपको यह प्रलाप बंद कर देना चाहिए। धन्यवाद, प्रणाम।